हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग एक जो है टॉय सेट का। तो यहाँ पे जो है डिफरेंट काइंड ऑफ टॉयज़ के डिफरेंट पर्पस होते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है इस तरीके के कटिंग सेट्स जो है मिल जाते हैं। तो कटिंग सेट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। एक तो ये जैसे कि ये वेजिटेबल कटिंग सेट है, इस तरीके से फ्रूट कटिंग सेट आता है जैसे कि ये वाला है, ठीक है ना। उसके अलावा जो है आपको पिज़्ज़ा या तो कुकीज़ कटिंग सेट जो है आपको मिल जाता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग जो है एक सीरीज ऑफ प्रोडक्ट है। और इसके अंदर जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गाजर है, कैरोट है, स्ट्रॉबेरी है, यहाँ पे फूल गोभी है, यहाँ पे कैप्सिकम है, और ये जो है आई थिंक तरबूज है शायद, या तो खरबूजा है। उसके अलावा स्लाइसिंग बोर्ड है शायद, नहीं नहीं सही है ये। फिर यहाँ पे नाइफ है, नीचे जो है यहाँ पे प्लास्टिक की डिश है। इस तरीके का ये जो है आपको कटिंग सेट, आपका फ्रूट कटिंग सेट जो है आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे इससे जो है क्या बच्चे सीख सकते हैं, पहले तो वो बता देता हूँ। दूसरी चीज़ ये 3 साल से बड़े बच्चों के लिए है जो कि चीज़ों को मुंह में नहीं डालते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है कि बच्चों को जो है धीरे धीरे कलर्स, शेप्स, ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, उसका विजुलाइजेशन की जो है वो करना होता है। तो जैसे कि गाजर कैसा है, तो गाजर ऐसा दिखता है। तो इन फ्यूचर जब आप उनको रियल गाजर देंगे तो तुरंत ही आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई हाँ ये गाजर था। फिर आप उनको मिर्च देंगे, तो वैसे तो बच्चों को रियल मिर्च नहीं देनी चाहिए, उनके हाथों में जलन या आँखों में अगर वो लगा देते हैं तो आँखों में भी जलन हो सकती है। बट ये सब चीज़ें जो है आप उनको विजुलाइजेशन के लिए, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए जो है दे सकते हैं। तो यहाँ पे बीच में जो है इस तरीके का वेलक्रो है, तो वेलक्रो से ये दोनों को जोड़ देना है, और बाद में मतलब ये नाइफ के ज़रिए बच्चे जो है मस्ती मजाक करते हुए इस तरीके से कटिंग करेंगे। वैसे बच्चों को रियल नाइफ भी नहीं देनी चाहिए, इसीलिए जो है जब बच्चे छोटे होते हैं तो उसके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ चाइल्ड लॉक आते हैं किचन के अंदर, और किचन के अंदर या तो उसको कहीं पे भी आप लगा सकते हैं, जिससे कि बच्चे जो है खाने होते हैं अलग अलग, मतलब उसको आसानी से खोल नहीं पाते हैं, तो वो आप ज़रूर से लगा लें। तो ये जो है लोकल मार्केट में इसकी प्राइस 270 रुपये है, 270 रुपीज़। ये ऑनलाइन मार्केट में भी आपको आसानी से मिल जाएगा, और इसकी बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसको आप ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव जो है शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। और इसको जो है आप अपने बच्चों को गिफ्ट में दे सकते हैं, या तो फिर आप अपने भांजे भतीजियों को जो है उसको भी गिफ्ट में दे सकते हैं। तो ये बॉय या गर्ल कोई भी इससे खेल सकता है, इसमें कोई वो डिफ्रेंशिएशन नहीं है। और दूसरी चीज़ जो है, अगर ये वीडियो पे 500 लाइक्स और 100 कमेंट्स आ जाते हैं, तो ये प्रोडक्ट की जो है होलसेल प्राइस को मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। और उसके अलावा जो है, अगर ये चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो ये चैनल पे जितने भी इस तरीके के अनबॉक्सिंग के वीडियोस है, सभी की होलसेल प्राइस को मैं जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे हम एक सोशल इनिशिएटिव जो है स्टार्ट करने वाले हैं। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे महिलाएं हैं जो कि हाउसवाइफ है और घर से कुछ अर्निंग करना चाहती है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे टीनेजर्स, यंग बच्चे हैं जो कि 10वीं 12वीं या तो डिप्लोमा, डिस्टेंस लर्निंग, शॉर्ट टर्म कोर्सेज करने के बाद, या तो फिर BA BCOM MA MCOM BSc MSc करने के बाद, या तो BTech MTech MBA BAMS PHMS करने के बाद, उनको जो है अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है, तो जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है, और वो चाहते हैं कुछ अपना बिजनेस करना, एंटरप्रेन्योरशिप करना, और अपनी लाइफ में जो है कुछ नया करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम एक वीडियो सीरीज़ जो है स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम डिफरेंट बिजनेसेस के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाएंगे, जिसके अंदर आप सीख सकते हैं स्टेशनरी बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, टॉय बिजनेस, गिफ्ट आर्टिकल बिजनेस, प्लास्टिक वेयर बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, CSC सेंटर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा जो है जेरोक्स प्रिंट आउट का बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम सिखाएंगे, और ये कम्प्लीटली फ्री होगा। आपकी क्वेरीज जो है कमेंट्स के थ्रू जो है हम रिप्लाई करेंगे, और किसी को पेड सर्विस चाहिए, मतलब पेड गाइडेंस चाहिए, तो टेलीफोनिक सपोर्ट भी हम करने वाले हैं उसके अंदर। तो उसका एक्चुअल डिक्लेरेशन हम बाद में करेंगे, अभी ये चैनल के अंदर ही उसका डिक्लेरेशन होगा कि भाई अब ये वीडियो सीरीज स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे आप उसको ज़रूर से एक बार ट्राई कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं अपना खुद का बिजनेस करना, नॉलेज के लिए भी आप खाली उसको देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो है आज के समय में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो है उनकी कॉन्स्टेंट डिमांड रहती है, क्योंकि ग्रीडीनेस जो है आज के कलयुग में बहुत ही ज़्यादा होती है। तो बच्चे जो है एक ही खिलौने से ज़्यादा समय तक नहीं खेलते हैं, तो मतलब एवरी वीक कुछ ना कुछ उनको नया देना पड़ता है। और वैसे भी स्कूल्स जो है बंद है, आपको पता ही है कि स्कूल्स बंद होने के कारण इस तरीके के खिलौने की बहुत ही डिमांड जो है बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे वो रीज़न से भी जो है आपके घर पे मतलब थैला भर भर के जो है मतलब बड़े बड़े बक्से भर के खिलौने निकलते होंगे एवरी टाइम। बहुत सारे लोग ऐसे ही उनको भंगार में दे देते हैं, या तो उसके गाँव में बेच देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है आप उसमें थोड़ा सा एक एडिशनल चीज़ भी कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो,
तो आपके जो है जो यूज्ड खिलौने हैं आप उनको ऑर्फनेज में जाके डोनेट कर सकते हैं, या तो फिर आप उनको जो है आप उनको जो प्रॉपर्टी या तो जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बच्चे होते हैं उनको भी गिफ्ट में दे सकते हैं, या तो ये खिलौने जो है उनको अगर आपके पास पैसे तो उसको संभाल के रखें, जब थोड़े से बड़े बच्चे हो जाए तो उनको, या तो फिर आपकी सोसाइटी के अंदर ऐसे बच्चे रहते हैं जो कि अभी 10-15 साल तक के हो गए हैं, तो उनको आप एंटरप्रेन्योरशिप स्किल उनकी डेवलप करने के लिए ये खिलौने आप उनको दे के मोटिवेट कर सकते हैं कि भाई इनको अच्छे से पैकेजिंग कर दें प्लास्टिक बैग्स के अंदर और उसको जो है सेल करें अपने एरिया के अंदर, किसी भी तरीके से सेल करें, और उनकी जो है एंटरप्रेन्योरशिप जो स्किल्स है उसको आप डेवलप करवा सकते हैं। उनको थोड़ा बहुत पता भी चलेगा कि भाई ये खिलौने हैं उसको खरीदने के लिए हम थोड़ा सा जिद करते हैं तो हमको अपने पेरेंट्स ले देते हैं, बट जब उसको सेल करने जाएंगे तो उसको उनको जो है पैसे की वैल्यू भी पता चल सकती है, कितनी हार्डशिप जो है पैसे कमाने के लिए उनके पेरेंट्स को करनी पड़ती है, वो भी शायद उनको विजुअलाइजेशन जो है हो सकता है। तो आप ये सब चीज़ें भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर लाइफ।